परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। हाय एवरीवन, मायसेल्फ राजन चौधरी, कैसे हैं आप सब? हाजिर हुआ हूं फिर से आपके लिए कुछ वैकेंसीज लेकर के। आज की वैकेंसीज रहेंगी पंचकुला की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त पंचकुला में रहते हैं, पंचकुला में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। एक और चीज हमेशा की तरह आपको बताऊंगा, वीडियो के फर्स्ट में बताऊंगा कि मैं आपको जो भी वैकेंसीज बताता हूं, इन वैकेंसीज के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। आप सब भाइयों बहनों दोस्तों के लिए एक सपोर्ट रहती है, ताकि मेरे भाई मेरे बहन दोस्त कहीं ना कहीं जॉब कर ले, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। और एक और चीज, आप लोग एडवांस में पैसे दे करके आते हो, हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ लोग मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, कभी भी किसी को किसी भी तरह का एडवांस मत दिया करो। एडवांस देते हो पैसे फंसाते हो। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए होते हैं, एडवांस में पैसे नहीं देने। हाँ, नौकरी लग जाती है, आपसे एडवांस में पैसे नहीं मांग रहा, आपसे पैसे लगने के जॉब लगने के बाद पैसे मांग रहा है, आपसे सैलरी मिलने के बाद पैसे मांग रहा है, तो दो, कोई इशू नहीं है, चलो उसने भी अपना खर्च चलाना है। बट एडवांस काहे का, किस चीज का एडवांस? काम हुआ नहीं हुआ ना, फिर क्यों एडवांस मत दिया। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है, तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई किसी बहन किसी दोस्त किसी बंधु को सपोर्ट मिल जाए, किसी को रोजगार मिल जाए, किसी की बेरोजगारी खत्म कर पाए हम। और आपके शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है, आपके शेयर से सिर्फ उसकी नौकरी लगती है और वो आपको दुआ देता है, और जब आपको दुआ मिलती है तो लिटरली बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं दुआ मिलने से, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज रहेगी पंचकुला की। पंचकुला में हमें एक सेल्स मैनेजर चाहिए, होम फर्नीचर का शोरूम है पंचकुला में, एक रिप्यूटेड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एमबीए कर रखी हो, कम से कम उसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिमिलर लाइन में फर्नीचर लाइन में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, टीम लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और बिजनेस डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो टाइमिंग्स और सैलरी हैं वो डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। ईमेल आईडीज और फोन नंबर मैंने टेलीग्राम पर दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं जी, एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए फॉर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पंचकुला में। कैंडिडेट जो है वो विलिंग होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए डेजिनेटेड एरियाज में, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वो बड़े मैंडेटरी हैं, और सैलरी एंड टाइमिंग्स जो हैं वो आपको मौके पर बताई जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा, जितना काम अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेल डिप्लोमा होल्डर चाहिए मैकेनिकल का, जिसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, फेज टू इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला में चाहिए। उसके बाद सेल्स बॉय चाहिए, गर्ल एंड असिस्टेंट मैनेजर फॉर गारमेंट्स शोरूम, सेक्टर 20 पंचकुला में रहेगा। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग चाहिए, बीएससी कैंडिडेट हो, बीएससी आपने कर रखी हो। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद मैं बात करूंगा जी, सीनियर और जूनियर लैब टेक्नीशियंस चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियंस चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, गुड सैलरी है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, एंड टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद मैं बात करूंगा, एक स्कूल है सेक्टर 7 में पंचकुला में, यहां पर ग्रेजुएट फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो गिवन ईमेल आईडी पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा, पंचकुला में ही अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स चाहिए,
सिविल कोस्ट एस्टिमेटर्स चाहिए और पीएनस चाहिए। स्वास्तिक विहार में ये वैकेंसी रहेगी पंचकुला में। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद बात करूंगा, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए पंचकुला में ही। मस्ट नो अकाउंट्स एंड कंप्यूटर वेल। फुल टाइम की जॉब रहेगी, सैलरी आपको नेगोशिएबल यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद पंचकुला में ही ऑफिस गर्ल और ऑफिस बॉय चाहिए फॉर मैनेजिंग होटल बुकिंग एंड टेली कॉलिंग। ये सारी की सारी वैकेंसीज पंचकुला में रहेंगी। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद पंचकुला में ही ऑफिस असिस्टेंट चाहिए फॉर प्रॉपर्टी नॉइंग कार ड्राइविंग। कार ड्राइविंग आपको अच्छे से आती हो, सेक्टर 4 पंचकुला में ये वैकेंसी रहेगी। उसके बाद पंचकुला में ही फीमेल टेली कॉलर चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए और ये टाइमिंग्स और सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। सेक्टर 11 में ये जॉब रहेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, गूगल एडवर्ड्स की आपको प्रॉपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सारी की सारी वैकेंसीज पंचकुला की रहेंगी। उसके बाद पंचकुला में हमें एक इंस्टीट्यूट में इमिग्रेशन ऑफिस में आयल्स टीचर चाहिए। सेक्टर 14 में यह वैकेंसी रहेगी पंचकुला में ही। उसके बाद पंचकुला में ही हमें एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए और ये वैकेंसी आपकी फेज 1 पंचकुला में रहेगी। उसके बाद पंचकुला में ही एक सेल्स गर्ल चाहिए, लोकेशन पंचकुला रहेगी और सैलरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाएगी। सो ये वैकेंसीज थी जी आज की पंचकुला की। मैं कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में नए नए शहर की वैकेंसीज जैसे जैसे मेरे पास आती हैं मैं आपके पास अपडेट करता हूँ। हिम्मत मत हारा करो, हौसला मत हारा करो, परेशान मत हुआ करो, नौकरी आपको मिलेगी। और डिप्रेशन को ना भगा दो, फेंक दो, साइड पे फेंक दो। क्या हुआ नहीं मिल रही तो नौकरी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों मिलेगी। बट परेशान नहीं होना है, समझे। सो अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं हैं तो आप इन वैकेंसीज को आगे भी शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को सपोर्ट मिल जाए, किसी की जॉब लग जाए। इज इट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, खुश रहो आप।